इंडिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान इंडिया को आजकल न्यूक्लियर बम के थ्रेट्स दे रहे हैं। सुने ये न्यूज़ उसके बाद बात जो कि 100 मेगाटन का बम हो तो आप जरा सोचिए क्या क्या होगा। पाकिस्तान की ये तमाम इलाके ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, पूरा जलकर खाक हो जाएगा और पूरा इस्लामाबाद खत्म होता जाएगा। इसके साथ साथ इसका प्रभाव एबटाबाद, जलालाबाद, पेशावर तक बड़े पैमाने इस जगह पर परमाणु बम गिरेगा। उसके 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ सिर्फ आग का गोला होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद से 3.5 किलोमीटर तक के दायरे में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए जाएंगे और सब कुछ तबाह होता दिखाई देगा। 10.5 किलोमीटर तक के दायरे में इस्लामाबाद तक जबरदस्त रेडिएशन होगा जिसमें ज्यादातर इंसानी और जैविक चीजें पिघलती हुई दिखाई देंगी और ऐसे में 90% आबादी या कोई भी चीज जो जीवित है वो खत्म होती दिखाई देगी। तकरीबन 15 किलोमीटर तक की रेडियस में तमाम इमारतें ध्वस्त हो जाएं। इतना भीषण रेडिएशन होगा कि 50% इससे ज्यादा आबादी और जन प्रजाति हमेशा के लिए प्रभावित हो जाएगी और 100 किलोमीटर तक के दायरे में पाकिस्तान के तमाम घरों की खिड़कियां चटक उठेंगी, लोग प्रभावित होंगे। तो आप सोचिए एक परमाणु हथियार पूरे के पूरे पाकिस्तान को किस तरीके से झकझोर सकता है। हिंदुस्तान को सिर्फ 3 मिनट चाहिए, इसका दुखता फूटा तो कराची का नक्शे से मिटना तय है। कराची के तबाह होते ही पहले ही मिनट में पाकिस्तान की आरती नब्ज कट जाएगी। जंग के हालात बने तो पाकिस्तान का रावलपिंडी दूसरा बड़ा टारगेट होगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर है और रावलपिंडी भारत की मिसाइलों की जद में है। रावलपिंडी के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को भी भारत ने अपने अचूक मिसाइलों के टारगेट पर रखा हुआ है। इन दोनों शहरों में पाक आर्मी के नेतनाबूत होने का सीधा मतलब है पाकिस्तान। इंडिया वाले यही समझते हैं कि अगर वो एक न्यूक्लियर बम गिराएं इस्लामाबाद पर तो सिर्फ इस्लामाबाद ख़त्म हो जाएगा या पूरा पाकिस्तान तहस नहस और ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान कोई एटॉमिक बम गिराता है दिल्ली पर, बम्बई पर या कहीं भी, तो उनका ये ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया ख़त्म हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, क्या ऐसा ही होगा? ये वीडियो आप ज़रूर देखें बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर बंदे के लिए, वो पाकिस्तानी है या इंडियन है, वो मुसलमान है या सिख है, या वो छोटा है या बच्चा है, मर्द है या औरत है। याद रखिए, जब एटॉमिक बम कहीं पर गिरता है तो उससे क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो है जब अमेरिका ने 2 बम गिराए थे नागासाकी एंड हिरोशिमा पर। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। आपको मैं इस ये बात वजाहत से कहूँ कि वो बम ज़मीन पर आने से पहले फट गए थे और जैसे ही वहाँ पर फट गई उसने एक एनर्जी क्रिएट की जिसको कहते हैं TNT, जो कि तकरीबन 338,000 TNT की बराबर थी, 38,000 TNT की बराबर थी। ये जो हिरोशिमा और वो जो बम थे वो पाकिस्तान और इंडिया के पास जो आजकल बम है उससे 3 गुना कम थे, मतलब उनकी एनर्जी 3 गुना कम थी। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि बाहर ज़मीन पर आने से पहले वो फट गई, उसके बावजूद भी वो 2 सिटीज़ ख़त्म हो गई। याद रखें, जब एक एटॉमिक बम गिरता है उस वक्त एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी फैलती है और ऊपर एक क्लाउड क्रिएट होता है जिसको कहते हैं मशरूम क्लाउड। इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के पास जो बम है वो अगर फट जाएं तो जब फटने के बाद वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक एक मशरूम क्लाउड बनाएंगे। जब वो मशरूम क्लाउड बनाएंगे तो ये नहीं है कि जब वो मशरूम क्लाउड बनाएंगे तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो सिटी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा होता है कि जो एनर्जी है वो वहाँ पर फैल जाएगी। एनर्जी से वो सिटी बिल्कुल ख़त्म, तकरीबन 50 किलोमीटर इर्द गिर्द, जैसे कि इस न्यूज़ में आपने देखा है, 50 किलोमीटर इर्द गिर्द वो जगह ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी सीरीज़ होती है वो सीरीज़ होती है रेडिएशंस की, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। 3 किस्म की रेडिएशंस है, जो साइंस समझते हैं वो इन 3 चीज़ों को समझेंगे। वो रेडिएशंस निकलती हैं अल्फ़ा और बेटा रेडिएशन से। आप उस वक्त बच सकते हैं अगर आप किसी अंडरग्राउंड जगह में हैं या आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है किसी सॉलिड के इर्द गिर्द, उस वक्त आप बच सकते हैं। नहीं तो जो फ्लैश है, आपकी बॉडी का जो गोश्त है, सारा गोश्त उसके साथ चला जाता है। अगर आप बच जाते हैं और आप खुशकिस्मत हैं, उसके बाद रेडिएशन आएगी और रेडिएशन आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को ख़राब करेगी। फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे, वहाँ पर
और बहुत सारे मसले होंगे, लेकिन उस डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जाना चाहूँगा। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इस डिटेल और फिर कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर न्यूक्लियर बम फट जाए। उसके बाद आते हैं, ऐसा होता है कि जब रेडिएशन आती हैं तो रेडिएशन दूर दूर तक फैलती है। कहाँ तक? दूर दूर तक, 50 किलोमीटर इर्द गिर्द। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ इसने एक जगह को ख़राब किया, ख़त्म किया, जिसमें न बिल्डिंग है, न जवान है, न जानवर है, कोई भी चीज़ नहीं है हयात। उसके बाद ये होता है कि एक रेडिएशन की वजह से तूफान आना शुरू हो जाते हैं, एक टेम्परेचर में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं 3-4 दिन बाद, उस वक्त भी आपको एक जूल, तूफ़ान, हवा, आंधी, मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और आपको पता है उस में भी रेडिएशंस ही होती हैं। उसके बाद ये रेडिएशंस फैलती हैं, ये हवाई फैलती हैं, ये पूरी दुनिया में तकरीबन फैलने तक तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते में पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी। एंड यू शुड नो कि तकरीबन 2 बिलियन लोग खुराक की वजह से मर जाएंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 60 डेज का खाना मौजूद है, 60 डेज का। अगर ये फैलती है ऐसी, ये रेडिएशन और ये हवाएं जब ये फैलेगी पूरी दुनिया में, उस वक्त क्रॉप्स का, सीरियल्स का, किसी पौधे का उगना मुश्किल हो जाएगा, और उस वक्त क्या होता है, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में हैं वो तो ख़त्म ही ख़त्म, उनकी बिल्डिंग्स ख़त्म, वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म। अगर ज़िंदगी रही भी तो याद रखना उसके साथ बहुत सारे मसले क्रिएट हो जाते हैं। उस वक्त शायद आप नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके बाद कैंसरस सेल्स आपकी बॉडी में ग्रोथ करना शुरू करेंगे, और जब कैंसरस सेल शुरू होंगे उसके बाद बहुत सारे मसले, मतलब ये कि मौत यकीनी है। ज़िंदगी अगर रही तो वो मौत से बदतर होगी। इसलिए याद रखें, ये जो बार बार एक दूसरे को कहते हैं मेरे पास न्यूक्लियर बम है और मैं तुम पे गिराऊंगा, मेरे पास न्यूक्लियर बम है, मैं ये करूंगा, मैं तहस नहस करूंगा, मैं 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान को ख़त्म करूंगा, 3 शहरों को ख़त्म करूंगा, तो 3 शहर ख़त्म होना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करना है। याद रखिए, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, ये सिर्फ मोदी और इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इसको रोकें, हम भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैंने अपना किरदार अदा किया, मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि अगर एटॉमिक बम गिरता है तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, बल्कि दोनों ममालिक ख़त्म, लेकिन उसके साथ पूरी दुनिया इफ़ेक्ट होगी। ऐसे इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, और प्लीज़ खुदा के लिए ऐसे काम हरगिज़ न करें जिसकी वजह से किसी भी तरह जंग या एटॉमिक बम की तरफ ये मुल्क जा सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।